ECAT के अंदर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री में आज हम डिस्कस करेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू ए लाइन, यानी लाइन से मुतल्लिक क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और ECAT के अंदर हमारे पास किस तरह के MCQs आएंगे जो हमें सॉल्व करने होंगे। सबसे पहला है जी, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस इज, ऑप्शन ए है जीरो, ऑप्शन बी है अनडिफाइंड, ऑप्शन सी है वन और ऑप्शन डी है -1। तो अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप क्या है? स्लोप से मुराद है कि कोई चीज एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, यानी कोई लाइन, ठीक है, कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और अगर मैं बात करूं जी, एक लाइन है जो कि यूं पास करती है, चलें जी एक लाइन है जो कि इस तरह से जाती है। अब अगर आप देखिए तो दिस लाइन जो है, ये लाइन जो है हमने देखना है एक्स एक्सिस के साथ जितना ये एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लिनेशन भी कहते हैं इसको, या इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात कर लें स्लोप की या ग्रेडियंट की, इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं। स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है, ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन क्या है, ये सब मेरे पास जो है वो एक ही डेफिनेशन देते हैं। इसका मतलब है जो एंगल या जो इंक्लिनेशन है इसका, अगर मैं या इसकी अगर मैं टेंजेंट की रेशियो ले लूं तो मेरे पास क्या कहलाएगी, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, क्या कहलाएगी, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। क्योंकि टेंजेंट की रेशियो में इसलिए कह रहा हूं कि मैं देखूंगा, अगर आप सिंपली देखें कि एक्स में वन यूनिट चेंज लेके आने से, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, एक्स में वन यूनिट चेंज लेके आने से वाई में कितना चेंज आता है, ये स्लोप है। अगर एक्स में वन यूनिट चेंज लेके आने से वाई में वन यूनिट चेंज आएगा तो मीन स्लोप क्या हो जाएगी, वन, स्लोप क्या हो जाएगी, वन, बिकॉज स्लोप होती है एम से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेडियंट को, ये बनता है वाई टू, यानी चेंज इन वाई, वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, चेंज इन एक्स, ठीक है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो अगर आप ओरिजिन से ले रहे हैं तो ओरिजिन में वाई वन भी जीरो, यानी एक्स वन भी जीरो होता है, वाई वन भी जीरो होता है, ये बन जाएगी एम इज इक्वल टू वाई वाई टू ओवर एक्स टू, और अगर आप सबस्क्रिप्ट खत्म कर दो बिकॉज हमारे पास एक ही सिंगल पॉइंट है तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा वाई ओवर एक्स। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, स्लोप है या ग्रेडियंट है, यानी अगर आप एक्स में वन यूनिट चेंज लेके आने से वाई में लेस देन वन यूनिट चेंज आती है तो आपकी स्लोप लेस देन वन होगी, अगर एक्स में वन यूनिट चेंज लेके आने से वाई में मोर देन वन यूनिट चेंज आती है तो स्लोप ग्रेटर देन वन होगी, अगर एक्स में वन यूनिट चेंज लेके आने से वाई में डिक्रीज आता है तो स्लोप नेगेटिव होगी। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो कि हम जिनकी हम बात करें, जिसको हम स्लोप कह रहे हैं, ग्रेडियंट कह रहे हैं, या इन टर्म्स ऑफ एंगल जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वो क्या है, इंक्लिनेशन है। अब हम क्वेश्चन की तरफ दोबारा से आते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं है कि अगर मैं इस रफर को यहां से रिमूव कर दूं तो क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन ये है जी, स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस इज जीरो, अनडिफाइंड, वन एंड -1। अब देखिए स्लोप, अगर सबसे पहली बात है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी अगर हम इन दोनों लाइंस को, यानी वाई एक्सिस को और इस लाइन को दोनों एंड पे एक्सटेंड कर लें, ये लाइन किसी भी पॉइंट पे अपने एक दूसरे से मीट नहीं करती, यानी नहीं मिलेंगी, सो दीज आर पैरेलल लाइंस, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट मीन्स दीज लाइन आर पैरेलल। अब हमने हमने बात की जी, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस की स्लोप क्या होगी। देखिए हम इस लाइन का मतलब क्या है कि वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ वाई, आप वाई की कोई भी वैल्यू ले लें लेकिन एक्स उसमें चेंज नहीं हो रहा, एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, वाई में तो चेंज आ रहा है बिकॉज वाई इज इंक्रीजिंग एट दिस स्टेज। अगर आप एक्स एक्सिस से अबव मूव करते हैं इस लाइन पे, अगर आप बिलो एक्स एक्सिस से मूव करते हैं तो वाई इज डिक्रीजिंग, वाई में तो चेंज आ रही है बट देर इज नो चेंज इन एक्स। तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन वाई इज देयर, डेल्टा वाई तो है लेकिन चेंज इन एक्स क्या है, जीरो, डेल्टा एक्स क्या है, जीरो तो है ही नहीं है। तो व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है, यानी फर्ज करें ये वैल्यू फाइव है, सिक्स है, जो भी है, फाइव डिवाइडेड बाय जीरो, सिक्स डिवाइडेड बाय जीरो, वट एवर, या वन डिवाइडेड बाय जीरो, ये क्या होता है, अनडिफाइंड, ये क्या होता है, अनडिफाइंड। तो बिकॉज हम बात करते हैं वन ओवर जीरो इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर केस में हम ये बात कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस इज अनडिफाइंड, सो दिस इज माई बेस्ट ऑप्शन, ये मेरे पास क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरह से हम ये भी बात जानते हैं कि एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसकी स्लोप क्या होगी, यानी अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी, यू समझे कि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो आप ये बात जानते हैं कि आपको यहां पे पैडल लगाते वक्त बिल्कुल भी
जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल, एक स्मूथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर खड़े हैं। अगर जरा सी इंक्लिनेशन होगी आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। इंक्लिनेशन डाउनवर्ड होगी यानी स्लोप अगर नेगेटिव होगी तो आप पैडल करना भी छोड़ दें, साइकिल खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें बताती हैं कि व्हेन व्हेन एक जब एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप क्या है, जीरो। मीन के एक्स तो चेंज हो रहा है, देखें एक्स इज टेकिंग अप मेनी वैल्यूज लेकिन वाई उधर का उधर ही है, वाई इज नॉट चेंजिंग। एक्स जो है वो अगर राइट साइड पे मूव करेंगे इंक्रीज करेगा, लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस पे मूव करेंगे तो डिक्रीज करेगा, लेकिन वाई इज नॉट चेंजिंग। इसका मतलब है डेल्टा वाई इज जीरो एंड डेल्टा एक्स इज हैज सम वैल्यू। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। तो ये बात तो कंफर्म होगी कि लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसकी स्लोप क्या होगी, जीरो। लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस उसकी स्लोप क्या होगी, अनडिफाइंड। फिर है जी स्लोप ऑफ लाइन विद इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज इज वन, जीरो, माइनस वन या टू। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर तो वहां पे होता नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इस चीज को यू अंडरस्टैंड करें कि दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, अब एक लाइन वाई एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाती है हम उसको कहते हैं इंक्लिनेशन, ठीक है। जैसे इसमें इंक्लिनेशन 45, मीन के अगर आप एक्स में वन यूनिट चेंज लेके आएंगे तो वाई में भी वन यूनिट चेंज आएगा, तो इस 45 एंगल तभी बनेगा। यानी अगर आप 45 को, यानी अगर आप 90 को ब्रेक करना चाह रहे हैं तो मीन के जितना आप एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस लेंगे उतना ही वाई के लॉन्ग डिस्टेंस लेके पॉइंट लगाएंगे, उस केस में आपके पास ये एंगल 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री एंगल का मतलब है इफ एक्स में वन यूनिट चेंज आ रही है तो वाई में भी वन यूनिट चेंज आ रही है। तो स्लोप क्या होती है, अगर ओरिजिन से लिया जाए तो वाई ओवर एक्स जो कि है वन ओवर वन विच इज इक्वल टू वन। इसका मतलब है स्लोप क्या हो जाएगी इस केस में, वन इज द राइट ऑप्शन। ये सेकंड ये भी है कि हम जानते हैं कि अगर 45 डिग्री है तो मैंने बात की थी कि हमारे पास स्लोप किसके इक्वल होती है, एम इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एंगल किसके इक्वल हो जाएगी, टेंजेंट 45। और हम ये बात जानते हैं कि 45 एक कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टेंजेंट पे टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1 होता तो स्लोप इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है जी, ये है जी टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम डिस्टेंस, क्वाड्रेंट्स, स्लोप और वर्टिसेस। यानी इसमें कौन सी ऑप्शन राइट है। अब स्लोप के लिए एक बात हमेशा याद रखें, लेट से मेरे पास ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं, चलो जी लाइट रेड से कलर है हमारे पास। लेट सपोज दिस इज माय वाई एक्सिस और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब एक लाइन है जिसको मैं ड्रॉ करता हूँ एक ग्रीन कलर में, ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। अब एक अनदर लाइन जो कि पैरेलल टू दिस लाइन होगी, वो एक ऐसी लाइन होगी जिसकी स्लोप यानी चेंज इन यानी अगर आप चेंज इन एक्स लेके आते हैं तो वाई में जो चेंज आती है दिस इज कॉल्ड स्लोप, यानी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज कॉल्ड स्लोप। एक ऐसी लाइन जिसकी स्लोप यही रहे इन जो है इंटरसेप्ट यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है, यानी वो पॉइंट जहां पर लाइन वाई एक्सिस को टच करती है ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, दिस इज वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट चेंज हो जाए लेकिन स्लोप जो है वो सेम रहे। यानी अगर मैं यहां से इस लाइन को कॉपी कर लूं, ठीक है, या चले यूं समझें इस लाइन को मैं यहां से कॉपी कर लूं, यहां से कॉपी उस तरह से होगी नहीं, एक्चुअली जो मैं आपको चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा था, चले ये यूं देखें जैसे ये है, तो एक ऐसी लाइन जो कि इसके पैरेलल होगी, ये देखें ये सिचुएशन बन रही है, ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। अब चले मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, समझे कि ये कंप्लीट एक एक्सिस है, मेरा क्वेश्चन उसके पीछे आ गया, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये देखिए ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल के मतलब अगर हम इन दोनों को दोनों एंड पे एक्सटेंड करें तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। इसमें इंपॉर्टेंट कॉमन चीज क्या आई है, देखें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो चेंज हो गया, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पहले इसका नेगेटिव था, अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जिस पॉइंट पर ये वाई एक्सिस को टच करती है वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन जो चीज सेम है वो क्या है, स्लोप। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम डिस्टेंस, नहीं क्वाड्रेंट्स नहीं, ये तो क्वाड्रेंट लेट सपोज ये फर्स्ट फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करी थी, लेकिन जब हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की इसके तो वो तो आपकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड से क्रॉस करी है, यानी थर्ड को क्रॉस करी है, तो इट मींस
कि क्वाड्रेंट भी सेम नहीं होते, डिस्टेंस भी सेम होना जरूरी नहीं है, क्वाड्रेंट सेम होना जरूरी नहीं है, वर्टिसेस का कॉन्सेप्ट हमारे पास लाइंस में नहीं है, तो लिहाजा द बेस्ट ऑप्शन इज स्लोप, वो हमने अभी देख भी लिया, वो क्या है स्लोप, बिकॉज स्लोप अगर सेम रहे तो लाइन चेंज नहीं, लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, वो पैरेलल लाइन ही रहेगी, यानी अगर स्लोप सेम रहती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि लाइंस को पैरेलल होने के लिए स्लोप सेम होना बहुत जरूरी है, अगर दो लाइंस हैं जिनकी स्लोप आपस में बराबर है तो दैट मींस के वो आपस में पैरेलल हैं, या अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उसका कन्वर्स क्या है कि उनकी स्लोप भी आपस में एक जैसी ही होंगी। क्वेश्चन है जी, फाइंड बी इफ द लाइन थ्रू 3, 4, -1b इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2, 3 एंड -5, 1। अब हमने बी फाइंड आउट करना है, यानी जो जो दिन दिन लाइन सेगमेंट्स की हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है उसमें सेकंड फर्स्ट लाइन का जो सेकंड पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट मिसिंग है विच इज बी, हमें ये फाइंड आउट करना है, यानी बी की वैल्यू 20 होगी, 20/7 होगी, 17 होगी, -11/15 होगी। बहुत सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, यानी सिंपलेस्ट मेथड है, इजिएस्ट मेथड है, जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं दिस इज माई वाई एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है, चले मैं एक्स एक्सिस थोड़ा सा बेहतर ड्रॉ कर लूं, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है, चलो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और अब सबसे पहले 3, 4, सो 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4 को समवेयर यहाँ पे पॉइंट है, उसके बाद है -1b, हमें -1 का पता है, मीन के ये समथिंग किधर यहाँ पे, और अगर टू ये पॉइंट, इसको पॉइंट ए कह लें, इसको पॉइंट बी कह लें, इसको पॉइंट सी कह लें, इसको पॉइंट डी कह लें, अब ये पॉइंट ए मैंने प्लॉट किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट बी का जस्ट एप्सिसा ड्रॉ किया, ऑर्डिनेट का तो पता ही नहीं है बी की क्या वैल्यू है, जबकि जो सी है वो है 2, 3, ठीक है, 1, 2 और 1, 2 एंड 3, ठीक है, जो कि तकरीबन यहाँ पे बनता है, ठीक है, और ये पॉइंट है सी और डी पॉइंट है -5, 1, तो -2, -3 अगर आप देख लें इसको तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, चलें 1, 2, -3, -4, -5 और 1 यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करूँ ना तो ये लाइन कुछ इस तरह बनेगी, तो हमारे पास जो ऑर्डिनेट होगा वो किधर यहाँ पे बन रहा है, ऑर्डिनेट किधर यहाँ पे बन रहा है, तो पॉइंट तकरीबन ये वाला पॉइंट होगा, तो जिसमें एब्सिसा तो -1 है और ऑर्डिनेट हो जाएगा -4 तक या -3 पॉइंट समथिंग, -4 के करीब करीब होगा, -4 के करीब करीब होगा या -3, आई डोंट नो, कुछ इसके नजदीक नजदीक है, ठीक है, तो अगर यानी सॉरी +3, आई मीन ऑर्डिनेट जो होगा पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव हियर, एक्स नेगेटिव है, ठीक है, -1, तो ऑर्डिनेट जो होगा वो तकरीबन यहां पे पॉजिटिव सम उसकी कुछ 3 वैल्यू इतनी होगी, ठीक है, जैसे सी यहां से 1, 2 था तो इसका हाँ एग्जैक्टली 3 इज द राइट ऑप्शन, 3 तक उसकी वैल्यू होगी, तो आप यहां से देख लें कि 20 कैन नॉट बी द आंसर, 17 नहीं हो सकता, -11/15 लेस देन जो है वो -1 बनता है, ये भी नहीं हो सकता, आई मीन -1 से ग्रेटर नंबर है -11/15 जो कि -0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी कैन बी दी ऑप्शन बिकॉज 7, 3s are 21 होता है, तो ये 2.9 समथिंग, सो दिस कैन बी दी राइट ऑप्शन, ठीक है, अब देखिए ये हमने बगैर किसी को अप्लाई किए, यानी वो जो कंडीशन होती है उसको अप्लाई किए सॉल्व किए, लेकिन अगर आप इस बात पे श्योर होना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, आप बड़े जल्दी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि y2 - y1 यानी b - 4 डिवाइडेड बाय x2 - x1 -1 - 3, अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसको मिलाने से और इसको मिलाने से लाइंस आपस में पैरेलल आती हैं, तो इसकी स्लोप जो होगी वो इसकी स्लोप के बराबर होगी, तो आप इसको बराबर रख लें, स्लोप कैसे आएगी 1 - 3 डिवाइडेड बाय -5 - 2, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा b - 4 डिवाइडेड बाय -4, ठीक है, 1 - 2 - 2 डिवाइडेड बाय -7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, -7b और +28 इज इक्वल टू +8, -7b इज इक्वल टू 8 - 28 जो बनता है -20, -7b इज इक्वल टू -20, -, से कैंसिल b आ गया 20/7 विच इज द राइट आंसर, तो
तो ये ऑप्शन भी हो सकता है. सो वी कैन गो बाय एनी वे, हम किसी भी वे से जा सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके एस्टिमेशन कर सकते हैं, या हम अगर एस्टिमेशन क्लोज आ रही हो. देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, आई वुड सजेस्ट कि आप जो है, आई वुड प्रेफर कि आपको आपको जो है ग्राफिकली करना चाहिए, यानी जिस वे से आपका टाइम सेव होता है आप उस मेथड को प्रेफर करें, उस मेथड से करें. अगर किसी किसी जगह पे क्लोज टाई आ जाता है दो के दरमियान, तो फिर आप फार्मूला लगा के उसको वेरीफाई कर लें, अदरवाइज ग्राफ इज एनफ. जैसे यहां पे था तो कोई क्लोज टाई नहीं था, 20 बाई, यानी 3 के नजदीक नजदीक हमारे पास कुछ भी यूनिट नहीं था. मैं तो आपको थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं बिकॉज स्पेस कम होने की वजह से, या यू नो आपको एक्सप्लेन करने की वजह से, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की वजह से मैं थोड़ा क्विकली करता हूं, जिसकी वजह से एस्टिमेशन में अगर आप प्रॉपर ग्राफ करके पॉइंट्स प्लॉट करके जल्दी से, या ग्राफ पेपर अच्छी तरह से प्लॉट कर लें रफ पेंसिल के साथ और उसी पे बार बार आप ग्राफ प्लॉट करते जाएं, तो आपके इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं. चलें जी नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है. टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज 0, 2, 1 और -1. ये बात हम जानते हैं कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है. तो हम ये बात जानते हैं कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, एक लाइन यूं है, ठीक है, और एक लाइन जो है यूं है, ठीक है, तो इस मीन दे आर परपेंडिकुलर, दे आर मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है. तो जो फिर क्या होगा कि देखें अगर ये लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब है जो इसकी स्लोप होगी, ठीक है, जो कि पॉजिटिव स्लोप है, जिसमें x में 1 यूनिट चेंज लेके आने से जो y में यूनिट चेंज आ रही है, वो इस लाइन में x वाली चेंज y बन जाएगी और y वाली चेंज x बन जाएगी. लेकिन नेगेटिव ऑफ दैट, यानी अगर इसकी स्लोप फर्ज करें, इसकी स्लोप जो है वो है स्लोप ऑफ लाइन m, लेट सपोज स्लोप ऑफ लाइन m एंड स्लोप ऑफ लाइन n कह लें, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन m जो है वो अगर हमारे पास है इस पर्टिकुलर केस में फर्ज करें 2/3, ठीक है, तो फिर इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या बन जाएगी, इन स्लोप ऑफ m क्या बन जाएगी, स्लोप ऑफ m, यहां पे मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ m, और ये है स्लोप ऑफ n, स्लोप ऑफ n वो क्या बन जाएगी 3/2, लेकिन विद नेगेटिव साइन, क्योंकि आप देखें डिक्रीजिंग है, यानी मीन के x के अंदर जो है, पहले यहां पे अगर आप x में 3 यूनिट चेंज लेके आते हैं तब जाके y में 2 यूनिट चेंज आता है, जबकि इस केस में x में 2 यूनिट चेंज, y में 3 यूनिट चेंज लेके आ रहा है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंस में लेके आ रहा है. तो इसका मतलब है इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट कर लें 2/3 टाइम्स -3/2, तो यू वुड सी 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल और -1, यानी 1 टाइम होगा, तो -1 इज द आंसर. तो ये आप हमेशा याद रखें कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1. तो -1 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन है जी एमसीक्यू के अंदर, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -1, 3 परपेंडिकुलर, ये साइन होता है परपेंडिकुलर टू ए लाइन हैविंग स्लोप 3/2 इज, चार ऑप्शंस गिवन है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन. जब भी एक लीनियर इक्वेशन होगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स और एक्स की डिग्री भी 1 होगी, वाई की डिग्री भी 1 होगी, टू वेरिएबल इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी. तो हमें ये देखना है कि इन गिवन कंडीशन पे वो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है. अगर मैं इसको रफली प्लॉट कर लूं तो आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा हो जाएगा. ये देख लें, सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है जी कि अगर मैं अपने एक्सिस को ड्रॉ कर लूं, तो आप देखेंगे कि मुझे चीजें कितनी आसान हो जाती है मेरे लिए, और मेरे लिए आंसर देना भी बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, दिस इज माय एक्स एक्सिस और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है. ठीक है, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू वाइन -1, 3. तो -1, 3 का मतलब है ये -1 नेगेटिव इस तरफ और +3 1, 2 एंड 3, ये मेरे पास पॉइंट है. ठीक है, इस पॉइंट से टू ए लाइन हैविंग स्लोप 3/2, यानी एक लाइन है जिसकी स्लोप कितनी है 3/2, जो कि बनती है 1.5. मीन कि अगर आप x में 1 यूनिट चेंज लेके आए तो y में 1.5, यानी ये 1 होगी और ये 1.5 यूनिट चेंज लेके आएगी. तो अगर मैं वैसे ही रफली, यानी मैं सपोज करता हूँ वो लाइन ओरिजिन से पास करिए, तो उसकी स्लोप ये बनती है. इसका मतलब है वो जो लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी,
उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस टू बाई थ्री हो जाएगी। ये हमने प्रीवियस अभी पिछली स्लाइड पिछले एमसीक्यूज के अंदर पढ़ा है। क्या हो जाएगी, दो स्लोप जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनकी स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होता है। अगर वो लाइन थ्री बाय टू है तो जिस लाइन की हम बात करें जिस पे पॉइंट माइनस वन थ्री लाई करता है उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस टू बाय थ्री। अगर माइनस टू बाई थ्री स्लोप होती क्या है, स्लोप होती है वाई ओवर एक्स, वाई ओवर एक्स, ठीक है, अगर वो ओरिजिन से पास करिए तो। अगर वो माइनस टू बाई थ्री है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए बन जाएगा थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स और ये बन जाएगा थ्री वाई प्लस टू एक्स, थ्री वाई प्लस टू एक्स। तो अब यहां पे हमें ये बात समझ आएगी थ्री वाई प्लस टू एक्स, आई डोंट नो कि उसकी इंटरसेप्ट क्या है, यानी वो लाइन वाई एक्सिस से को कहां पे टच करी है, लेकिन एक बात कंफर्म होगी कि उसकी उसमें जो फर्स्ट पार्ट है यानी थ्री वाई प्लस टू एक्स आता है। सब देख लें, टू वाई माइनस थ्री एक्स ये नहीं हो सकता, फिफ्टीन वाई प्लस टू एक्स ये नहीं हो सकता, थर्टीन वाई प्लस टू एक्स ये नहीं हो सकता, थ्री वाई प्लस टू एक्स, वेल दिस इज द आंसर। इसका मतलब उसकी इंटरसेप्ट अगर आप देखें तो इसको उस फॉर्म में ले जाएंगे तो हमें इसकी इंटरसेप्ट भी मिल जाएगी जो कि सेवन बाय थ्री हो जाएगी जो कि टू पॉइंट समथिंग बनती है। इसका मतलब है वो लाइन पास करती होगी टू पॉइंट समथिंग वन और टू कहीं यहीं से, ठीक है, कहीं यहां से वो इस तरह से पास करी होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने अभी हमने अगली जो चीजें हमने पढ़नी है नहीं, इक्वेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन यानी स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, उनके बगैर हमने सिर्फ स्लोप के कॉन्सेप्ट से हमने ये बता दिया कि वो जो फाइनल यानी जो कंक्लूजन हो या जो हमारे पास जो इक्वेशन होगी डिजायर्ड इक्वेशन वो क्या होगी। तो डी विल बी द राइट आंसर, इसमें माइनस सेवन को फाइंड आउट करना इतना जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया तो फिर ये दिस इज द राइट आंसर। हाँ, अगर हमारे पास थ्री वाई प्लस टू एक्स में जो और भी ऑप्शन हो तो उस केस में फिर हम इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट करते हैं, जिनसे रिलेटेड टॉपिक्स अभी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे और देखेंगे फिर उस तरह के एमसीक्यूज को हम किस तरह से डील करते हैं।